डियर स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन हब बालसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अपन बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड के अंदर, फिनॉल जो था कंप्लीट पढ़ चुके थे, फिनॉल के यूजेज उपयोग। उसके बाद में जो चैप्टर के जो थर्ड पार्ट चलेगा ईथर, उसकी बात करेंगे यहाँ से। ईथर में क्या होता है, ईथर क्या होता है, क्रियात्मक समूह जो होता है वो क्या होता है, क्रियात्मक समूह। ईथर के अंदर जो क्रियात्मक समूह होता है वो ऑक्सीजन की दोनों वैलेंस है क्या वो फ्री, इस क्रियात्मक समूह को बोलते हैं ईथर। यानी कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विवी संयोजक ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं पर एल्किन समूह जुड़े हुए हो उन्हें क्या कहा जाता है, ईथर या एल्कोक्सी एल्किन कहा जाता है। यानी कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विवी संयोजक ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताओं पर एल्किन समूह जुड़े हुए होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ईथर या एल्कोक्सी एल्किन कहा जाता है। यानी कि परिभाषा क्या बन गई, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें संयोजक ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं वे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विवी संयोजक ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह से जुड़ी हुई है उन्हें ईथर या एल्कोक्सी एल्किन कहा जाता है, उन्हें ईथर या एल्कोक्सी एल्किन कहा जाता है। उन्हें ईथर या एल्कोक्सी एल्किन कहा जाता है। यानी कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विवी संयोजक ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं किसके द्वारा जुड़ी हुई हो, एल्किन समूह के द्वारा जुड़ी हुई हो, उन्हें क्या कहा जाता है, ईथर या एल्कोक्सी एल्किन कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि ये ऑक्सीजन द्विवी संयोजक ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता किसके द्वारा जुड़ रही है, यहां पे एल्किन समूह के द्वारा, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ईथर, या इसे क्या कहते हैं, एल्कोक्सी एल्किन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, एल्कोक्सी एल्किन। ईथर या एल्कोक्सी एल्किन कहा जाता है। आप देखो यहां R बराबर एल्किन या एरिन समूह हो सकता है, एरिन समूह हो सकता है यहां, यानी कह सकता हूं यहां R कोमा R डैश बराबर एल्किन या एरिन समूह हो सकता है। R का मतलब यहां पे एल्किन से और R डैश का मतलब मैंने लिया है एरिन समूह हो सकता है। देखिए यदि दोनों R समान है, एल्किन समूह समान है तो सममित ईथर कहलाएगा, यदि R और R डैश अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं तो ईथर क्या कहलाएगा, असममित ईथर कहलाता है, जिसे मिश्रित ईथर भी कहा जाता है। यदि R बराबर R डैश है तो सममित ईथर
नॉट इक्वल टू आर डैश, तो असममित ईथर, ईथर या मिश्रित ईथर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, असममित ईथर या मिश्रित ईथर कहा जाता है, यानी आर और आर डैश, यानी कि आर आर डैश हम दोनों ही एक जैसे, आर बराबर आर डैश बराबर का मतलब यहाँ पे आर का मतलब एल के लिए, तो आर डैश भी क्या है, यदि एक जैसा ही है, समान है, तो सममित ईथर, और आर नॉट इक्वल टू आर डैश यानी एल्किल और एल दोनों समूह समान नहीं, तो फिर वो क्या बोल देंगे आप, असममित ईथर। यानी ईथर दो प्रकार के होते हैं, ईथर दो प्रकार के होते हैं, ईथर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहली बात करेंगे सममित ईथर और दूसरा होता है असममित ईथर। सममित ईथर असममित ईथर दोनों एल ऑक्सीजन परमाणु पर जुड़े दोनों एल के समूह समान है तो सममित ईथर कहा जाता है। ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल समूह समान है तो सममित ईथर, ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल समूह समान नहीं है, समान नहीं है तो इसे असममित ईथर कहा जाता है। देखें एग्जांपल, सममित ईथर का मतलब क्या होता है, सममित ईथर जैसे CH3OCH3 यानी ऑक्सीजन परमाणु है, इस ऑक्सीजन परमाणु के दोनों एल्किल समूह समान है तो क्या कहलाएगा, सममित ईथर। नाम क्या हो जाएगा, CH3 को कौन सा एल्किल समूह होता है, मैथिल, सेम होने के कारण क्या बोल देते हैं, डाइमेथिल कैट ईथर, इसका नाम हो जाएगा डाइमेथिल ईथर। ऐसे ही दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, मैं ऐसे लिखा C2H5OC2H5 तो दोनों एल्किल समूह समान है तो क्या हो जाएगा, डाइएथिल ईथर, डाइएथिल ईथर। इसी प्रकार से मैंने थर्ड एग्जांपल के अंदर लिखा C6H5OC6H5 एल्किल के स्थान पर कौन हो सकता है, एरिल भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डाइफेनिल ईथर। बताया था मैंने ऑक्सीजन परमाणु पर जुड़े दोनों आर समान भी हो सकते हैं और दोनों आर असमान भी हो सकते हैं, यदि दोनों आर समान है तो क्या कहलाएगा, सममित ईथर, डाइमेथिल ईथर। ऐसे ही दोनों एथिल समूह समान है तो डाइएथिल ईथर, ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एरिल समूह होने के कारण ये कौन सा समूह कहलाता है, C6H5 डाइफेनिल ईथर। इसी प्रकार से नंबर पे असममित ईथर, असममित ईथर इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, असममित ईथर मैंने लिखा CH3OCH2CH3 देखो इधर मैथिल जुड़ा हुआ है, इधर कौन है, एथिल, तो एथिल मैथिल ईथर अलग अलग है, इसका नाम के पहले एथिल एल पर वर्ण वाला क्वेश्चन, एथिल मैथिल ईथर। ऐसे नंबर टू पे एग्जांपल पे बात करें CH3OCH2CH2CH3 नॉर्मल प्रोपिल मैथिल ईथर, इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल प्रोपिल मैथिल ईथर। ऐसे ही मैंने लिखा थर्ड
एग्जांपल के रूप में CH3O CH CH3 CH3 आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर, इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर। यानी ईथर क्या होता है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्वि संयोजक ऑक्सीजन की जो दोनों संयोजकताएं किसके द्वारा जुड़ी हुई है, एल्किन समूह के द्वारा जुड़ी हुई, उसे क्या कहा जाता है? ईथर या एल्कोक्सी एल्किन कहा जाता है। यहाँ पे R जो है, यहाँ R कोमा R डेस एल्किन समूह के स्थान पर एलिन समूह भी हो सकता है। यदि R और R डेस समान है, दोनों समान है, तो कैसे ईथर कहलाएगा? सममित ईथर। यानी आपका एल्किन समूह समान है तो सममित ईथर, और एल्किन समूह एक एल्किन है दूसरा एलिन है, R नॉट इक्वल टू R डेस इस प्रकार का है, तो फिर क्या कहलाएगा आपका? सममित ईथर। जैसे डाइमेथिल ईथर है, डाइफेनिल ईथर है, डाइएथिल ईथर है, डाइफेनिल ईथर। इसी प्रकार से एथिल मेथिल ईथर है, जैसे नॉर्मल प्रोपिल मेथिल ईथर है, आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर, ये सभी क्या होता है? सममित और असममित ईथर। ईथर जो होता है उसको जल ईथर जो होता है उसको क्या कहते हैं? जल का व्युत्पन्न माना जाए, यानी जल के दो डाइएल्किल व्युत्पन्न मान सकते हैं। यानी ईथर को क्या मानते हैं? जल का डाइएल्किल डेरिवेटिव माना जाता है। कैसे माना जाता है? देखिए ईथर को जल का डाइएल्किल व्युत्पन्न माना जाता है। स्टार पॉइंट से ईथर को जल का डाइएल्किल व्युत्पन्न माना जाता है। ईथर को जल का क्या माना जाता है? डाइएल्किल व्युत्पन्न माना जाता है। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल है आपका, पानी जल है। अब इसका डाइएल्किल व्युत्पन्न का मतलब यहां पे दो R जुड़ जाए और यहां से क्या निकल जाए? दो H बाहर निकल जाए। देखो दोनों जल के दोनों हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दिया जाए? दो एल्किल समूह के द्वारा कर दिया जाए, तो क्या बन जाता है? ईथर। दोनों हाइड्रोजन यहां से निकल जाएंगे, निकल गए यहां से 2H, क्या जोड़ दिया मैंने? R R O R, क्या बन गया यहां से? ईथर। यानी कि जल के अणु का कैसा व्युत्पन्न है? डाइएल्किल व्युत्पन्न। इसी प्रकार से ईथर जो है उसको एल्कोहलों का एन हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ईथर को एल्कोहलों का एन हाइड्रोक्साइड साइड भी कहा जाता है। ईथर को एल्कोहलों का एन हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। अब एल्कोहलों का एन हाइड्रोक्साइड का मतलब है एल्कोहल के दो अणु हैं, उसमें से जल के अणु को बाहर निकाल दिया जाए, तो यहां से क्या बन जाता है? ईथर। कैसे बनता है? देखो एल्कोहलों का एन हाइड्रोक्साइड, ये क्या है आपका? आर ओ एच एल्कोहल, दूसरा अणु ये रहा एल्कोहल का। यानी एल्कोहल के दो अणु है, एल्कोहल के दो अणु को क्या कर दिया जाए यहां से? अभिकर्ण करवा दिया, यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? जल का अणु बाहर निकल जाता है, क्या बन जाता है यहां से? ईथर बन जाता है। आर ओ आर यानी कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल के कारण, इस कारण एल्कोहलों का क्या बोलते हैं? एन हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। ईथर का जो सामान्य सूत्र है, ईथर का सामान्य सूत्र CnH2n+2O होता है। ईथर जो है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2O, यानी कार्बन की संख्या का दुगुना प्लस दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, उसको क्या बोलते हैं? ईथर। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नामकरण। ईथर का जो नामकरण है वो किस प्रकार से किया जाता है? नामकरण में सिंपल नेम डाइएल्किल ईथर के रूप में किया जाएगा, और आईयूपीएसी जो नेम है वो एल्कोक्सी एल्केन के रूप में किया जाता है। टॉपिक पढ़ रहे हैं नामकरण। ईथर के नामकरण की दो पद्धतियां यूज करेंगे, ईथर का जो नामकरण है वो दो तरीके से करेंगे, पहला रूढ़ नाम और दूसरा आईयूपीएसी नाम।
ईथर है उसका नामकरण कैसे करेंगे? दो तरीके से करेंगे, साधारण नाम के रूप में और दूसरा आयु रूट नाम डाई एल्किल ईथर के रूप में। कैसे दिया जाएगा? डाई एल्किल ईथर के रूप में दिया जाता है। रूट नाम जो है वो किसके रूप में दिया जाता है? डाई एल्किल ईथर के रूप में दिया जाता है। और आईपीसी जो नेम है वो कैसे दिया जाता है? एल्कोक्सी एल्केन के रूप में दिया जाता है। डाई एल्किल ईथर के रूप में दिया जाता है और आईपीसी नेम दिया जाता है एल्कोक्सी एल्केन के रूप में दिया जाता है। तो मैं पहली बात कर लेता हूं टेबल के द्वारा। सबसे पहले सूत्र संरचना रूट नाम आईयूपीएसी नाम तो सबसे पहले बात करेंगे सूत्र क्या होता है, संरचना क्या होती है, रूट नाम क्या होता है, उसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है। सबसे पहली बात कर लेते हैं यहां पे C2H6O C2H6O कोई सूत्र है? मैंने C2H6O अभी बताया था ईथर का जो संरचित सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2n+2O इन कार्बन की संख्या का दुगना प्लस दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, बिल्कुल ईथर और एल्कोहल होता है क्योंकि ईथर जो है किसका समावी है? एल्कोहल का समावी होता है। तो यानी कार्बन की संख्या का दुगना प्लस दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, यानी ये मॉलिक्यूल्स या ईथर है या फिर एल्कोहल, बात किसी कर रहा हूं ईथर। तो एल्कोहल का समावी क्या होता है? ईथर होता है। तो यानी C2H6O इसकी संरचना कैसे बनती है? देखो CH3OCH3 में कार्बन कितने? दो, 1 2, बीच में क्या है? ऑक्सीजन, ये रहा 3 और 3 6 हाइड्रोजन, 3 और 3। यानी C2H6O को कैसे लिखा जाता है? CH3OCH3। अब इसका सिंपल जो नेम है वो कैसे दिया जाएगा? डाई एल्किल ईथर के रूप में। डाई एल्किल के रूप में कौन है यहां पे? मेथिल है, इधर कौन है? मेथिल, सेम होने के कारण यहां पे क्या कह देंगे आप? डाई मेथिल, इसका नाम हो जाएगा डाइमेथिल और इसका क्या लगा दें आप? ईथर। एंड डाई एल्किल ईथर के रूप में दिया जाता है। इसी प्रकार से आप आईयूपीएसी नेम करें तो एल्कोक्सी छोटा जो समूह है उसको एल्कोक्सी के रूप में। देखो यहां पे तो एक कार्बन, यहां पे भी कार्बन, जिसमें ऑक्सीजन के जिस साइड में कार्बन परमाणु संख्या कम होगी वो ग्रुप क्या बोलते हैं आप? एल्कोक्सी के रूप में। और दूसरे वाला है किसके रूप में बोलते हैं आप? एल्केन के रूप में। देखो सेम है, सेम है तो फिर आप किसी के भी पास जोड़ सकते हैं एल्कोक्सी। इधर से भी मेथोक्सी, एक कार्बन का मेथ सिंगल बॉन्डेड है तो एल, तो मेथोक्सी मेथेन बोल सकते हैं। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? मेथोक्सी मेथेन। इसी प्रकार से मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा C3H8O। अब C3H8O वही कार्बन की संख्या का दुगना प्लस दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन ईथर, कैसे लिखा जाएगा? CH3OCH2CH3। देखो 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 3 8 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, बिल्कुल है C3H8। इसका मतलब नेम क्या हो जाएगा? देखो अगर दोनों समान है तो डाई एल्किल ईथर के रूप में, ये तो डाई एल्किल ईथर के रूप में या एल्किल एल्किल ईथर के रूप में, अलग अलग है तो क्या बोलते हैं? एल्किल एल्किल ईथर के रूप में दिया जाता है। भाई अगर सेम है तो डाई एल्किल ईथर के रूप में, और अलग अलग है तो आप एल्किल एल्किल, जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको नाम पहले होते हैं एथिल, ये क्या है? मेथिल। सिंपल नेम हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर, क्या बन जाएगा? देखो ये ग्रुप क्या बोला जाएगा? एल्कोक्सी। एल्कोक्सी के रूप में क्या है? मेथोक्सी, दो का मतलब क्या है? दो कार्बन का मतलब एथ सिंगल बॉन्डेड है तो एन, तो मेथोक्सी एथेन बन जाएगा। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? मेथोक्सी एथेन। इसी प्रकार से यहां पे नंबर थर्ड पे बात करते हैं एग्जांपल के अंदर C4H10O, कार्बन की संख्या का दुगना प्लस दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, कैसे लिख सकते हैं आप? पहला है CH3CH2OCH2CH3, इस प्रकार की संरचना बना सकते हैं। देखो दो कार्बन, दो इधर, चार कार्बन, 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, इसका मतलब देखो दोनों साइड में सेम है एथिल ग्रुप, कौन है? एथिल। नाम क्या बोल दोगे आप? डाई एथिल ईथर। एथोक्सी एथेन,
यूपीएससी बन जाएगा एथोक्सिन, इसी प्रकार से इसी का पैराटाइप ऐसे, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं सी एस थ्री ओ सी एच टू सी एच टू सी एस, वैसे तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 कार्बन, 3 5 7 10 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। नॉर्मल प्रोपिल मेथिल ईथर इसका सिंपल लेते हो एन प्रोपिल मेथिल ईथर, ये क्या है नॉर्मल प्रोपिल, ये क्या है मेथिल अल्फाबेट में स्कूलिंग नॉर्मल प्रोपिल मेथिल ईथर। अब ये छोटा समूह क्या है मेथोक्सी, ये क्या कहलाएगा आपका 3 कार्बन और प्रोप सिंगल बॉन्डेड है तो ए मेथोक्सी प्रोपिल, मेथोक्सी प्रोपिल बन जाएगा। इसी प्रकार से इसी चीज को अपन मैं ऐसे देख सकता हूं थर्ड व्यू में सी एस थ्री ओ सी एच सी एस थ्री, अब देखो 1 2 3 तीन की बन जाएगी यहां पे तो मेथोक्सी वो नहीं है, नंबरिंग दो आप 1 2 3 टू मेथ में सिंपल नेम क्या हो जाएगा आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर, ये क्या आइसोप्रोपिल ये क्या मेथिल, सिंपल नेम हो जाएगा आइसोप्रोपिल मेथिल संरचना किस प्रकार की होती है इसकी, इस प्रकार का कंपाउंड होता है OCS3, ये क्या है देखो C6 यहां तक हो गई C7, अब C6H5 तो बोलते हैं इसको फेनिल को, इस रिंग का मतलब यहां पे है C6H5, इसका मतलब क्या हो जाएगा C6H5, देखो C6 ये रहा सातवां ये रहा 5 हाइड्रोजन 3 8 हाइड्रोजन 1, यानी C7H8 को ऐसे लिख सकते हैं ये क्या है मेथिल ये क्या है फेनिल ये क्या है ईथर, सिंपल नेम हो जाएगा मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर, ठीक है। इसका दूसरा नाम मेथिल एनिसोल भी बोल सकते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं एनिसोल, ब्रैकेट में लिख देता हूं एनिसोल के नाम से जाना। अब देखो ये क्या है बेंजीन और बेंजीन ट्रिक पर OCS3 जुड़ जाता है यूपीएससी में इसको बोलते हैं मेथोक्सी बेंजीन, मेथोक्सी बेंजीन। अब चैन किसकी बन जाएगी, इसकी लॉन्गेस्ट चैन बन जाएगी इस रिंग के अंदर, ये छोटा समूह क्या बोला जाएगा एल्कोक्सी के रूप में मेथोक्सी, इसको क्या बोलते हैं डायरेक्ट बेंजीन। इस प्रकार से ईथर का सिंपल नेम और आईयूपीएससी जो नामकरण है वो कर लिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी है।